वेलकम बैक एवरीवन। आज हम फिर से रैंचिंग सिमुलेटर खेल रहे हैं। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, हम लोग पिछली बार 100 चिकन लाया था हमारे चिकन कूप के लिए। अभी कितना प्यारा लग रहा है यार, जाके अंदर देखते हैं। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं हम लोग के चिकन। मैंने बोला था ना, ये मेन स्क्वायर है हमारा, यहाँ पे काफी प्यारे लगेंगे चिकन। आएंगे खाना पानी पियेंगे अपना। ये बीच बीच में कुछ आ जाते हैं और यहाँ पे देखो जैसे वो आया अपने पिंजरे से निकल के खा रहा है। बहुत प्यारे लग रहे हैं हम लोग के चिकन यहाँ से उतर के आ रहे हैं। तुम लोग को कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग खोल के भी देख सकते हैं उन लोगों के रूफ को। ये देखो ये वहाँ कितने घुसे पड़ा है। यहाँ पे एक है वो भी पड़ा हुआ है यहाँ पे रूस्टर। ये रहा व्हाइट वाला, ये उसका दुश्मन है, जानी दुश्मन काले वाले को। उसके साथ बैठा जाता हूँ, उसे लड़ाई होगी। नहीं वो भाग रहा है, वो देखो डरपोक भाई। मैंने सोचा था तुम तो हीरो होगे। हैं क्या हरकत है ये? हाँ नहीं तो अब हम लोग को सबसे पहले हम लोग की टू डू लिस्ट तुम्हें मेरी दिख रही होगी। तो पहले हम लोग को क्या करना है, अपना जल्दी से मुझे है ना फीड एनिमल कर देना है मुझे अपने, ठीक है ना। मतलब फीड एनिमल से मतलब मैं इन सबको खाना देता हूँ। देखो अभी खाना शुरू हो रहा है। ये ज़्यादा तेज रेट नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी फेयरली क्विक है। लेकिन हम लोग काफ़ी अमीर है तो आराम से देते हैं इनको। और फिल ऑल्ट्रोज और इन लोगों का फिल और विंड मिल्स कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको खाना पानी दे देगा। अब हम लोग अपने है ना गायों का और है ना हमारे पिक का देखते हैं इन लोगों का कैसा खाना चल रहा है। ये बॉन बनाया था हम लोगों ने प्यारा सा, कितना अच्छा लग रहा है। इसका फिलहाल बोल कर देता है। ये जो विंडमिल होता है ना ये तो फ्री का कर देता है हम लोग का। ये पूरा ही है एक्चुअली, अच्छी बात है। ये सब मजे ले रहे हैं हम लोग के जानवर। अब चलो हम लोगों का अगला टास्क है सेल एग्स एंड मिल्क। तो हम लोगों को जल्दी से है ना अपनी एग बास्केट लेते हैं। आई थिंक मैंने बांध में छोड़ दी, पता नहीं क्यों पिछली बार। इसके ऊपर से कूद के जाते हैं हम लोग। अब देखते हैं कहाँ पे हम लोग की ये रही एग बास्केट, यहाँ पे छोड़ दिया। मैं वहाँ पे छोड़ दिया करूँगा। तुम लोगों को क्या लगता है, मतलब वहाँ पे सही रहेगा ना? उन लोगों के साथ उन्हीं का सामान है यार ये, तो यहाँ पे छोड़ दिया करूँगा। कोने में यहाँ पे कोई नहीं आता ना। और यहाँ पे इस कोने के हिसाब से यहाँ पे अंडा क्यों दिया है उसने, पागल है क्या ये वाली मुर्गी? हाँ भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे? एक सेकंड, एस्केप प्लान वाली मुर्गी है ये। कहाँ घूम रहे हो भाई? है अंदर रहो वापस। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हाँ नहीं तो बंद कर दूंगा अभी। लो अंदर बैठे रहो। अब देखो मुंह निकाल के है ना घूम रही हो। चलो अब खोल लेते हैं उसे। अब बाहर निकलने की कोशिश निकल रही है वो पता नहीं, वो बस है ना मार नहीं रही। जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, ये लेते हैं अंडा। और कहाँ है इसको खोल के देखते हैं, शायद इसके अंदर अंडे हों कहीं। नहीं इसके अंदर नहीं है। सारे कूप्स के अंदर मैं चेक कर लेता हूँ आज, है ना। कूप्स के अंदर भी तो देंगे ये लोग मोस्टली। ये देखो यहाँ पे दिए ना। पहले हम लोगों के नॉर्मल एग प्रोडक्शन बस इतना होता था, बस ये उठा लिए डन, आज का एग्स हो गए। लेकिन आज तो पूरी की पूरी सर्च माननी पड़ी हर कोई चिकन कूप में हर कोई। ये उड़ क्यों रहा है? ये उड़ नहीं, उड़ नहीं रहा हूँ मेरा। उसने पूरा वो डिसीव कर दिया भाई साहब, इल्यूजन बना दिया चिकन ने। काफ़ी स्मार्ट हो रखे हैं हमारे ये वाले चिकन। यहाँ पे किसी ने दिया कि नहीं? पॉटी कर दी बस। बताओ गंदगी हर जगह में मचा रहे, अंडे नहीं दे रहे यहाँ पे। नहीं ये वाले उन लोगों को अच्छे नहीं लग रहे। देखो छोटे वाला में कोई नहीं घूम रहा, समझ में आता है इन सब चिकन को क्या चल रहा है यहाँ पे। सब मामला पानी है। देखो यहाँ पे दिया है एग। अब हम लोगों का ये वाला, ये वन ऑफ माई फेवरेट टाइप ऑफ कूप बन चुका है क्योंकि इसके अंदर ये ड्रॉर्स हैं। ये बस ऐसे एग रोल आउट कर जाते हैं तुम्हारे साथ, बहुत ही प्यारा लगता है ये तो। मज़े बहुत आते हैं इसके साथ, मतलब खोल के निकालते हो ना इतना इजी कर देते। और तुम क्या कर रही हुई? ये क्या हरकत है ये? देखो बस मर्जी थी मेरी, सारी पॉटी सब कुछ साफ साथ में कर दिया। इसको दूर भेजता हूँ, वहाँ पे घुमा नहीं तो। ये क्या गंदगी मचा रखी है। चलो जल्दी से अब इसके एग उठा लेते हैं हम लोग उससे पहले कि वो आए ना रिटर्न करे। हाँ देखो उठा लिए, पॉटी भी साफ कर देते हैं हम लोग उसकी। वहाँ पे भी एग, अंदर जाके भी देखेंगे हम लोग। ये लेते हैं हम लोग ये। हाँ भाई थैंक यू। कितने मुर्गों ने घर बना लिया अपना यहाँ पे। ये वाला इन लोगों को कूप काफ़ी अच्छा लग रहा है, चिकन्स को भी। चलो और जाके देखते हैं यहाँ पे दिए कि यहाँ पे मुर्गा भी घूम रहे। हाँ वो रहे देखो अंडे, इनको ले लेते हैं हम लोग। और क्या है? अरे यहाँ पे भी नहीं है। ये वाला एरिया इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आई थिंक है ना जल्दी से इनको वो करवाना चाहिए, मतलब इधर उधर करना चाहिए ना। सारे यहाँ पे ही घुस गए इस वाले कॉर्नर में। आई थिंक मैंने टू मैनी डाल दी यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे हैं भर भर के एकदम चिकन। तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ पे भी होंगे हम लोगों के एग्स? हाँ ये देखो ये अच्छा कंपार्टमेंट है। और यहाँ पे कितने दिए इन लोगों ने? आई थिंक यहाँ पे मैंने भी कुछ रखे हैं अपने अंडे। वो देखो रोल कर रहा है वो वाला। हाँ देखो ये क्या कर दिया मैंने, उड़ रहे हैं। हाँ मैंने प्लेस किए थे ना यहाँ पे, इसके अंदर प्लेस नहीं होते अच्छे से। वो पता नहीं ऐसे उड़ से रहे हैं वो है ना एग्स, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। और के अंदर चेक कर लेते हैं ये वाला तो चेक डे। यहाँ पे क्या चल रहा है? ये क्रिसमस वाला हम लोगों का ये कूप बड़ा वाला। यहाँ पे नीचे होपफुली अंडे ना दें वरना पूरी भरमार लग जाएगी और मैं उठा भी नहीं पाऊंगा, बहुत गंदी बात हो जाएगी।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दिया है। अब तुम लोगों को क्या लगता है, ज्यादा अलाइव हो गया है ना हम लोगों का ये कूप? यहाँ पे हर जगह पे अंडे एग है ना, चिकन्स घूम रहे हैं हम लोग के, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं और रूस्टर्स भी ले आऊंगा इन लोगों के साथ ना, क्योंकि हैंस काफी हो गई है, अब रूस्टर्स की भी जरूरत है हम लोगों को जल्दी से। फर्टिलाइज्ड एग और बच्चे भी हूँ मेरा, और भी ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए मुझे तो इन सबसे। ये अभी भी वैसे काफ़ी कम है, लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं। जल्दी से हम लोग लेते हैं और चलते हैं। आई थिंक हम लोगों ने सारे कर लिए हैं, और जल्दी से हम लोग अपना मिल्क है ना ले लेते हैं अपनी काउस से। मैं अपनी एक बास्केट इनके एंट्रेंस पर डाल देता हूँ ताकि रिमेंबर रहे ना यहाँ पे, ये इससे बहुत स्टैंड आउट कर रही है यहाँ पे। ओके लेट्स सी, मिल्क कैन भर यू क्या? नहीं यार, मुझे जल्दी से है ना निकालना चाहिए दूध। भाई रुक जाओ यहाँ पे। ओके दूध निकाल लो भाई, अब निकालना शुरू करते हैं, देखते हैं ये कितने देती है वाली। काफ़ी अच्छी लगती है मुझे ये मेरे पास। मैं तुम लोगों को क्या लगता है, मेरे पास ज़्यादा ब्राउन वाली काउज हो गई है ना, मैं क्या करूँगा एक फीमेल वाइट वाले भी ले आऊँगा, ताकि हम लोग के पास है ना, हम लोग का एक है ना मेल है वो वाइट कलर का, उसका नाम पप्पू है वो वन ऑफ माई फर्स्ट है ना, क्या कहते हैं वो था ये जो भैंस ली थी ना मैंने, अब हमें उसके अलावा एक वाइट वाली काउ भी ले लेंगे, तो हम लोग के पास सारे वाइट वाले काउज भी आने लगेंगे, क्योंकि ब्राउन वाले हम लोग के पास काफ़ी हो गई हैं। मैं एक मेल आई थिंक, मेरे ब्राउन भी काफ़ी हो गए और है ना वाइट वाले हो गए, लेकिन प्योर वाइट जो होता है ना, तुम लोगों ने देखी होगी वो है ना भैंसें होती हैं काउज होती हैं। ये पिक क्यों कर रहा, बिल्कुल घुस गया है यहाँ पर ये तो। जल्दी इसका दूध निकाल लूँ मैं। ओके इतना इनफ है, नो मिल्क बोल रही थी वो, इसको पता कैसे चल जाता है नो मिल्क। ओके ये डाल दिया हम लोगों ने, और कहाँ है, अरे हाँ मैंने यहाँ पे कंपार्टमेंट में डाल दी थी ना, इसी काम किया था मैंने। अरे मैं कंपार्टमेंट को बंद कैसे करूँगा अंदर आके, यहाँ पे इसको ऐसे करके रोक देते हैं, भागने की फिराक में हैं ये दोनों। अब मैं क्या करूँगा यार, जल्दी से मैं पहले दूध तो निकाल लेता हूँ, एटलीस्ट एक काम कर लेते हैं यू नो। वो भागने की कोशिश कर रही है वो, भाई प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ एक सेकंड, दूध चाहिए मुझे बस। यहाँ पे अंडा भी पड़ा हुआ है बताओ एक, उसको जाके रख दूँगा मैं। ओके दे दो, क्या आवाज़ निकाले आ रही वो। ओके आई थिंक हाँ चलो हो गया, अब भागो जहाँ भी। अरे सारी अटक गई एक दूसरे में, एक सेकंड इस मिल्क बास्केट को रखता, मुझे फंसा के रखा है, मतलब खुद तो फंसना है मुझे भी फंसा दिया, बताओ यार ये क्या हरकतें देनी है ये। ओके यार कितनी देर तक फंसाए रखा था उन लोगों ने मुझे यहाँ पे, अब वो दोनों निकल गए, उसका बच्चा और ये। चलो इन लोगों का भी निकलते हैं, और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कंपार्टमेंट में इनको करने का, मुझे मिल्क मशीन भी लेनी पड़ेगी यार इससे, मतलब तो हरकतें दे रहे हैं हम लोगों को ये गाय बहुत। चलो और निकलते हैं, देखो पिक का बच्चा ये कैसे बाहर निकला। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, बाहर कैसे निकल लें यार, मुझे इनको भी खोलना पड़ेगा और कुछ पिक्स को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का क्या मामला पानी है, वो बहुत जल्दी उनके बच्चे होते हैं और छः छः पाँच पाँच होते हैं एक बार में, और अगर वो सारे ग्रो हो गए ना फट जाएंगे, लिटरली ब्लास्ट हो जाएगा वो वाला कंपार्टमेंट, इतने बड़े हो जाते हैं वो पिग्स, वो उसके अंदर डेफिनेटली है ना फिट नहीं होंगे, मेरी बाद में मुश्किल से फिट होते हैं भाई सब, यहाँ पे कैसे हो जाएंगे। ओके भाई मुझे अपनी बास्केट दे दो, ये री बास्केट, अब हटना एक सेकंड। अरे भाई हटो जल्दी, अरे भारी निकल गई यार ये तो, इसको छोड़ देते हैं, चलो भारी घूमो मजे लो ठीक है ना। आई डोंट केयर, अभी है ना काफ़ी स्पेस हो रहा है यहाँ पे इस वाले एरिया में बांध के, तो कोई वरी तो नहीं है, अच्छी भी लग रही है, मतलब हल्का सा खाली तो नहीं हो रहा वहाँ पे, देख रहे हो क्या चल रहा है। यहाँ पे आ जाओ यार, सब फैल क्यों नहीं रहे यहाँ पे, उन लोगों को वो एरिया बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या है वहाँ पे। अब इस वाले की बारी, जल्दी से यार बंद नहीं कर सकता, जल्दी से बस ये लेके, ये चलो ले लेते हैं हम लोग दूध। यार क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे यार, कंपार्टमेंट की काफ़ी प्रॉब्लम है यार, पीछे से बंद नहीं कर सकते, अगर पीछे से बंद हो जाता ना तो आराम से हो जाता हम लोगों का सारा सामान, लेकिन नहीं पीछे से बंद ही नहीं करने का मूड होता है इस बंदे का। सारी हमारी है ना गाय भाग गई, और मैं ये कहाँ फंस गई हूँ, जल्दी से लेते हैं, प्लीज़ प्लीज़ बंद बंद, हाँ चलो एक बज गई एटलीस्ट यार, कंपार्टमेंट में ज़्यादा हरकतें दे रहे हो यार, यहाँ पे तो पिक इन लोगों का दूध नहीं ले सकते। जल्दी से इसको यहाँ पे रख देते हैं, आई थिंक मेरी मिल्क कैन एक और है ना उस गाय के बाद है ना पूरी की पूरी हो जाएगी। यहाँ पे क्या कॉन्ग्रीगेशन बन गई है पूरी की पूरी, हटो एक सेकंड भाई, कितने मोटे पिक्स हो रखे हैं यहाँ पे तो, ओए होए हटो एक सेकंड। हाँ ये वाली मुझे लग रही है इसके पास दूध हो, नहीं तो मैं दीवार से यहाँ पे आ गया, बताओ मैंने गेम ग्लिच कर रहा हूँ मैं, इतनी ज़्यादा हो गई है मेरे पास, मैं एक सेकंड यहाँ से निकल के देखता हूँ। नहीं यहाँ से क्या हो गया मेरे बांध को, इन पिक्स को देखना पड़ेगा, मुझे हरकत दे रही है आजकल, ज़्यादा ही हरकत दे रहे हैं, और मेरी यार मिल्क बास्केट पता नहीं कहाँ है, मिल्क बकेट वो अभी तक खड़ी हुई यहाँ पे, देना एक सेकंड भाई, हाँ आप घूम लो और देखते हैं और कहा उसका। अरे हाँ इसको तो मिल्क ही नहीं किया ना, ये वहाँ से देख रही थी। हाँ अब देखो एक बहुत अच्छी चीज़ होने लगी, जैसे कि तुम लोगों ने अभी नोटिस किया होगा,
मेरी जो मिल्क कैन है ना, मतलब एक दिन के आधे दिन के माल से पूरी की पूरी भर जाती है। हम लोग को आगे जाके एक नई भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि यार मतलब हरकत नहीं हो जाएगी। मैं पूरा सेल करके आ रहा हूँ, इतने में मिल्क खत्म हो गया, लोगों का सारा रीसेट हो गया। चलो हम जल्दी से जाते हैं और अपना भर के ले आते हैं, है ना, मिल्क कैन को और इन दोनों एग बास्केट, और इनको अभी बेच के ही आ जाएंगे हम लोग। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब चलो मिल्क कैन को लेते हैं जल्दी से निकल के। हमारी गाड़ी कहाँ है, वो लाल वाली, वो क्या कर रहा है वहाँ पे? आई थिंक वो वहाँ पीछे खड़ी कर दी थी मैंने, तुम लोगों को याद है? आई थिंक वहाँ पे है ना, मैं पिछली बार है ना यहाँ पे हैंड्स को छोड़ रहा था ना अपनी, अरे हाँ ये नहीं, यहाँ पे यूटीवी तक खड़ी है, मुझे यार याद रखना पड़ेगा ये तो, वरना खो जाएंगे हम लोग की गाड़ियाँ, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी ज़्यादा। चलो इसको बंद करते हैं, हम लोग अपनी एग बास्केट भी लेके आते हैं हम लोग। ये गाड़ी एटलीस्ट हम लोगों का सारा सामान जल्दी कर देती है, क्योंकि ये तो इसकी स्पीड देखिए तुम लोगों ने मैक्सिमम कितनी होती है, मुझे भी नहीं पता, ये तो बस बढ़ती रहती है इसकी, रुक मैंने आज तक इसको घटते हुए नहीं देखा है, मतलब यहाँ पर रुक गई, स्टेबल स्पीड जो होती है ना, मतलब मैक्स दबा दो सीधा एक्सेलेरेटर, आज तक नहीं देखी, बस बढ़ती रहती है। आई थिंक इसकी इन्फिनिटी है इसकी स्पीड, कभी रुकने नहीं वाली है गाड़ी, धन धनाधन चलाती रहती है ये तो भाई साहब, काफ़ी अच्छी है और पेंट कितना अच्छा, और फरारी की स्पीड पर चलती है एक्चुअली, और है ना क्या कहते हैं, और ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसके अंदर स्पेस है। तो चलो चलते, एटलीस्ट ओपन नहीं है बस ये फरारी की तरह है, फरारी ऐसी कोई कन्वर्टेबल होती है कि मैं सुन, ये देखो ये होती है हरकतें ट्रू वाली जो होती है ना, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब हम लोग अपने नॉर्मल लॉ से चलते हैं, अभी एक्सीडेंट होता है बहुत हरकत होती है हम दोनों को, मतलब वो तो वैसे ही ठुकता और मेरी कार को भी है ना मतलब रोक देता बहुत गंदा वाला, और ऐसी आवाज़ है चटक टूट गया सामने का मेटल, देखो उनको भी रोक रखा है उसने भाई, यू नो मैं पब्लिक की हेल्प कर देता हूँ, ज़्यादा हरकतें होनी है यहाँ पे, ठीक है ना, रोके रहो अभी, कोई बात नहीं अभी निकल सकते हो, हाँ देखो गुड, अच्छी बात है, समझ में आ गया उसे क्या करना चाहिए, अच्छी हेल्प कर दी मैंने, अच्छा काम किया है आज। ट्रक वालों की भी हेल्प करनी चाहिए, इन लोगों ने है ना हमें अच्छी ड्राइविंग करनी सिखाई तो नहीं है, बस है ना खुद अच्छी ड्राइविंग की और मैंने उनको कॉपी करके है ना अच्छी कर ली अपनी, वैसे तो ये हुआ है रियली। चलो इसको यहाँ पे अच्छे से पार्क कर दे, टेढ़ा करता हूँ ताकि मेरे लिए एंट्रेंस की जगह हो ना। ओके देखते हैं, पोर्क बीफ मीटबॉल और चिकन सॉसेज, अरे चिकन सॉसेज की है, चिकन मैं यार मारूंगा नहीं भाई, मेरे चिकन्स मरवाना चलो, हैं ऐसा करोगे मेरे साथ, दोस्त के साथ ऐसा करोगे, चिकन्स मरवा रहो अभी लाया हूँ नए, हाँ नहीं तो हरकतें दोगे भाई। ओके देखते हैं 324, हाँ नाइस प्राइस है, तुम लोगों को क्या लगता है, मतलब डेली प्रोड्यूस के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, हम लोग क्या ज़्यादा एग भी नहीं तो उसके हिसाब से भी बहुत अच्छी प्राइस थी। चलो हम लोग अपने घर पर निकल लेते हैं, यार ये इन लोगों का बेस्ट बर्गर इतना छोटा है, मैं हमेशा ठुकता रहता हूँ इन लोगों के कॉर्नर्स पे। यहाँ पे आई थिंक मुझे पूरी रोड याद हो गई है, मैप की कोई ज़रूरत नहीं है, ये देखो आराम से निकल लिया सिवाय इस पेड़ के, और वो हिरन देखो वहाँ पे, वो है वहाँ पे घूमे जा रहा है, वो क्या हरकत दे रहा है वो, अभी मुझे है ना प्लान कर रहा था आई थिंक, लेकिन पेड़ ने मुझे वैसे ही ठोक दिया। चलो यहाँ पे हम लोग कॉर्नर ले लेते हैं, अब मेरे ज़्यादा दूर तक वो नहीं होता सामान, मतलब पहले हम लोग घूमते रहते थे है ना, वैसे ये पर्सनल चीज़ है, मतलब मैं अकेले जब ग्राइंडिंग करता था ना, जब हंटिंग करते थे, तब मेरे लिए मोस्ट गेम प्ले जो रहा है ना वो रहा है बाहर का, मतलब रियली मतलब मैं कुछ एरियाज में जाता हूँ जहाँ पे है ना क्या कहते हैं जानवर मिलते हैं उनकी डेंस है ना, और ये सब वहाँ पे है ना जाके मारता था, लेकिन अब मोस्टली अब रेंज पे आता रहता हूँ मैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, वहाँ पे काफ़ी जंगल है हद तक। अब चलो हम लोग सारा करके तो आ गए, अब मैं तुम लोगों को आज की इंपॉर्टेंट चीज़ है ना बता दूँ हम लोगों को क्या करना है, मैं आज बकरियाँ लेने वाला हूँ। हाँ सर, आई थिंक हम लोगों ने सारे जानवर ले लिए होंगे इस गेम में, सुबह आई थिंक बीफ बुल और बीफ काउ के, लेकिन फिर भी हम लोग के सारे जानवर हो जाएंगे, हम लोग जल्दी से बकरियाँ लेके आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ हम लोगों को उसके फैंस के ब्लूप्रिंट बनाने होंगे ना, हम फैंस के उन लोगों की फूड ट्रक पहले में, अरे गाइस मैंने अभी भी नोटिस चीज की, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, व्हाट इज दिस भाई, पिछली बार क्या बोला था, ये क्या हरकत है, पकड़ लिया मैंने, ऐसा लग रहा है चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, देखो मुंह नहीं देख रहा, इधर देखो, इधर देखो, अगर इधर नहीं देखा ना भाई साहब, इधर देखो नहीं, इधर देखो, हाँ देखो देख लिया, अब चलो हमारे साथ, हाँ अभी खाना खिला देते हैं, चलो इधर देख लिया, अब मैं इसके ऊपर ट्रस्ट, देखो अंडे तक दे रखा था यहाँ पे, ये रहा इसका अंडा, अब क्या है इसके, इसका क्या जवाब कर दे सकती है, ये चुप हो गई है, देखो कुछ बोल भी नहीं रही है, पता नहीं भागने के प्लान्स कर रहे हैं ये सब, अब मुझे किसी है ना मुर्गे पे भरोसा नहीं है, व्हाइट वाले ने भी एस्केप मार दिया, ब्राउन वाले भी ने भी मार दिया, और ब्लैक वाले ने भी मार दिया आज तक, लेकिन मुर्गे ने नहीं मारा, मुर्गा तो आराम से बैठा रहता है बस अपने, उसे समझ में आ गया पूरा मतलब क्या चल रहा है ना, ये उसको फ्री का खाना मिलता है वो इन्जॉय करता है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अरे हॉट आ रहे हैं इतने, हमारे बच्चे होंगे काफ़ी जानवरों के, हाँ तो मेरा प्लान था कि ये तुम लोगों को ये छोटी सी शेड दिख रही है ना,
यहाँ पे हम लोग ये वाली जो ग्रैनरी है हम लोगों की, यहाँ पे मैं एक फेंस बनाऊंगा इसके अराउंड, ताकि हम लोग की बकरियाँ इसका यूज कर पाए, मतलब यू नो एक स्मॉल सा बांध, ठीक है ना। पहले इसका फिल फूड कर देता हूँ मैं, ये रहा अब फिलोल्ट्रोस। हम लोग यहाँ पे इसके फेंस के पेरीमीटर में डालेंगे, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो टॉगल एरिया विजिबिलिटी, काफ़ी दूर तक इसकी रेंज है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा कवर ही हो गया ये ये जो छोटे सी शेड है ना, ये इसके अराउंड ऐसा कुछ फेंस बना लेंगे हम लोग। यहाँ पे फूड ट्रोस प्लेस कर देंगे और वाटर बोल्स प्लेस कर देंगे, है ना, दो दो पेयर्स, और हम लोग का सारा सामान हो जाएगा यहाँ का, फिर हम लोग मजे लेंगे, यहाँ पे बकरे लाएंगे। ओके, तो हम लोग पहले ब्लू प्रिंट बना लेते हैं हमारे फेंस के, फिर उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे वो जो है ना फूड बोल्स और वाटर ट्रोस हैं जो भी हैं वो सब अंदर बना लेंगे उसके। ऐसा करूँगा मैं, मतलब दो प्रेयर बना लूँगा इससे, मतलब है ना क्या कहते हैं, एक फूड ट्रो एक वाटर बोल और फिर से एक ट्रो और एक वाटर बोल, मतलब दो चार है ना हम लोगों के ट्रोज और वाटर बोल बनेंगे। अब मैं फेंस को बनाना कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे ही कंटिन्यू नहीं शुरू किया है अभी, तो ये काफ़ी अच्छा बड़ा बनाने वाला हूँ मैं, मतलब अच्छा खासा स्पेस होगा इन लोगों के पास। अबाउट बान का जितना बाहर का एरिया है ना, इन लोगों के पास बाहर का एरिया हल्का सा आई थिंक बान वालों से ज़्यादा होगा, उन लोगों को है ना, मतलब बान से निकलता ना, बान का इंटीरियर का वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, मतलब कंपार्टमेंट के बाहर का है, लेकिन उन लोगों से हल्का सा ज़्यादा होगा इन लोगों का बान का एरिया। तुम लोगों को क्या लगता है? चलो यहाँ पे हम लोग टर्न मार लेते हैं, यहाँ पे ग्रैनरी है ना, मैं बीच में बाद में आके एंट्रेंस बना दूंगा, पहले हम लोग ये पूरे के पूरे पेरीमीटर को कवर कर लेते हैं इसके, मतलब कहीं एस्केप की जगह तो नहीं है। वहाँ पे देखो एक गेट भी आई थिंक, वहाँ पे उन गेट्स को बंद करना पड़ेगा हम लोगों को, ये यहाँ पे एक गेट है इसको बंद करना पड़ेगा, यार एस्केप करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये कर लेते हैं और इसको है ना क्लोज कर लेते हैं, इसको रोटेट करता हूँ मैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसको पूरे को करना है, मैं इसको पूरा कर दूंगा एक्चुअली, मतलब है ना पूरा 360 कवरेज होगी ना इसकी, फिर जाके है ना हमारे बकरों के लिए सेफ होगा ये, क्योंकि ये भागने की कोशिश करेंगे मैं श्योर हूँ, है ना क्या कहते हैं, मतलब हमारी है ना गायें और हमारे है ना पिग जितनी हरकत देते हैं, मुर्गा अभी है ना घूम रहा था, तो ये क्यों नहीं देंगे, और ये तो बिल्कुल ऐसे एरिया में यहाँ पर आराम से घुस सकते हैं सारे जानवर। ओके, ये हो गया, हम यहाँ पे हल्का सा गैप बचा है, इसका क्या करूँ। ओके गाइस, तो मैंने जब देखा था थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था हम लोगों का, जो ये है ना क्या हो रहा था, वो हल्के से मतलब स्पेस बीच में जा रहा था, वहाँ से बकरे एस्केप कर सकते थे। हम लोग क्या करते हैं और बनाते हैं हम लोग अपने फेंसेस, यहाँ से मैंने है ना हल्का सा डिस्ट्रॉय करके कंटिन्यू करने की कोशिश की है। चलो जल्दी से हम लोग करना शुरू करते हैं अपना सामान। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ इस बिल्डिंग का यूज़ करके मैं इसके गैप को कवर कर सकता हूँ। आई थिंक मैं अब यहाँ पे एक बीच में एक फेंस बना सकता हूँ, कि इसके बीच में से तो कुछ भी नहीं जा सकता ना, एक मुर्गा तक नहीं जा सकता इसके बीच में से, काफ़ी अच्छा हम लोगों का हो गया। अब यहाँ से हम लोग कवर कर लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसको प्लेस करते हैं, हल्का सा रोटेट कर लेता हूँ हल्का सा, और स्ट्रेट एंगल पे अच्छा लगेगा ना ये। ओके, यहाँ पे ये प्लेस हो गया हम लोगों का। अब ऐसे करके हम लोगों का पूरा ये फेंस हो जाएगा, यहाँ से कुछ भी नहीं भाग पाएगा, बकरा का हर चीज़ यहाँ पे प्लेस हो सकती है एक्चुअली, लेकिन अभी तो ये बकरों का यही, बाद में आके देखेंगे अगर है ना यूज़ आएगा, क्योंकि पहले हम लोगों को लग रहा था बांध बस पिक्स के लिए होगा, अब देखो उसके अंदर है ना हम लोगों के भैंसे भी आ गई हैं और चिकन तक डाल लेते मैंने उसके अंदर, तो अजीब ही माल हो गया था, लेकिन वो हम लोगों ने अच्छा किया था, मतलब जब तक ग्रैनरी नहीं थी ना वहाँ पे, काफ़ी अच्छी चॉइस थी वो, मतलब यहाँ पे रखना चिकन को, वरना हमारे यार बेचारे सारे मर जाते, एग्स का प्रोडक्शन उन लोगों का चला रहा था। अब चलो इसको हम लोग डिमोलिश कर देते हैं, ये जो सामने के है ना, मैं ताकि एंटर कर पाऊँ यहाँ पे, अपने वुडन गेट लगाए थे हम लोग, अटैच हो जाओ भाई, ये अटैच हो गए हम लोगों के, ये प्यारे से गेट लग चुके हैं, हम लोगों का फेंस तो पूरे हो गए हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को फूड ट्रो बनाने हैं। ओके लेट्स सी, फूड ट्रो हम लोग एक बाहर में बना देंगे, एक अबाउट इन लोगों के इंटीरियर में बना के देखेंगे, एक यहाँ पे एक फूड ट्रो, एक इसके पास में एक वाटर बोल बना लेते हैं हम लोग, ये और वाटर बोल मैं सोचता हूँ वाटर पीने की इन लोगों की कम ज़रूरत पड़ती है क्या, स्टोरेज तो होती है वाटर की इसके अंदर। तो अब हम लोग अंदर एक है ना फूड ट्रो बना लेते हैं इसका एक पेयर, उससे आराम से हम लोगों का सामान हो जाए। अरे हम लोगों का स्टनर भी पड़ा हुआ है इसकी अभी तक, इसको बाद में आके मैं है ना वो कर दूंगा मूव, अभी के लिए यहीं पर रहने दो, होपफुली वो है ना क्या कहते हैं गलती से चल ना जाए, वो बकरे उसके साथ खेलने हैं, पता नहीं जो भी मुँह लगा रहा है उसके अंदर चल रहा है, वो जबान के ऊपर चल जाएगा उसके बेचारे की। चलो हम लोग है ना चलते हैं और अपने मटेरियल लेके आते हैं। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अभी वैसे दिन हो गया, अभी कुछ ज़्यादा ही रात हो रही थी ना, तुम लोगों को देख रहा होगा काफ़ी डार्क हो गया था वेदर, तो मैं सोच रहा था कि अब सो जाते हैं, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम लोग अपनी यूटीवी उठाते हैं, क्योंकि तुम लोगों को पता है यार हम लोग की जो यूटीवी है ना ये प्यारी सी, ये क्या करती है, ये इसके अंदर और ज़्यादा प्लैंक्स आ सकते हैं, पता नहीं कैसे ही कौन सा लॉजिक है ये, लेकिन उससे ज़्यादा प्लैंक्स आ सकते हैं, रियल के अंदर ऐसा प्रॉबेबली नहीं होता, लेकिन इस गेम के लॉजिक के साथ आराम से आ जाते हैं एकदम, बहुत प्यारी है यूटीवी, 5-5 स्टेक आ जाते हैं। तो मैंने कैलकुलेट किया हमें, मतलब और मेरी कैलकुलेशंस बताते हैं कि हमें काफ़ी प्लैंक्स लगने वाले हैं रियली, इतने से है ना फेंस के अंदर, और है ना फूड ट्रोज एक तो उन लोगों की अलग, एक तो हरकत नहीं है बहुत।
लेकिन हम लोग एटलीस्ट ले आएंगे। मैं जनरल स्टोर पे क्यों जा रहा हूँ? यहाँ पे वहाँ पे वो लोग देते भी नहीं है ये सब सामान, ही हम लोगों का अच्छी बिल्डिंग के लिए ना। यहाँ पे चलते हैं ना, मुझे मैप के बिना भी रास्ते याद होंगे, मतलब मुझे पता चल जाता है कि मैं जब मैं गलत जा रहा हूँ ना। ओके यहाँ पे, ओके वो रही हार्डवेयर स्टोर, यहाँ पे ये देख जाती है। ये देखो ये हरकतें, ये हटोगे कि नहीं बताओ, पहले बता दो ठीक है ना। कट्टा है मेरे पास रिलोडेड ही है, हाँ नहीं तो ज़्यादा हरकत देंगे। रोड से हटा के मारा है मैंने, देखो ये होती है प्लानिंग, ताकि मुझे बाद में आके हरकतें ना जाए ना। जब भी मुझे है ना वाइल्ड मीट की ज़रूरत होगी मैं याद रख लूँगा, अरे हाँ ये है ना। और जब भी मुझे पैसों की कमी हो जाएगी हम उठा उठा के इसका भेज देंगे। ओके और हम लोग आ चुके हैं, अपनी यूटीवी को ऐसा स्ट्रेट करके कर देना ताकि मैं आराम से कर पाऊँ अपना सारा सामान। ये अब यहाँ पे हम लोग अपने सारे प्लैंक्स डालते रहेंगे, इसको ऐसा खोल देते हैं। अब चलो प्लैंक्स खरीदते हैं। एक्चुअली हम लोग ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों मुझे वापस बता रहे हैं गेम, उसको लगता है मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। चलो हम लोग जल्दी से खरीदते हैं, आई थिंक हमें कितने खरीदने चाहिए, अभी मैं खरीदता जाता हूँ। तो मैंने अभी सोचा यार हम लोग को अभी 25 लेने चाहिए, 800 रुपये के काफ़ी आ जाएगा इसके अंदर, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग ले लेते हैं जल्दी से। 25 हम लोग के आ चुके हैं ये। ओके लेट्स सी है ना इसके अंदर सारा सामान हो जाएगा। आई थिंक ये जो 25 है ना ये मैक्सिमम है हमारी, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी यूटीवी इतनी ही उठा पाती है। चलो अब कोशिश करते हैं इसको परफेक्टली प्लेस करने की। एक सेकंड, ये हल्की सी टेढ़ी है ये प्लेस यूटीवी, इसको हल्का सा और स्ट्रेट करूँगा उससे आ जाएंगे हम लोग के, और ऐसे करके आ जाएंगे क्या? हाँ ऐसे करके है ना ये परफेक्ट एकदम, हल्का सा दूर मूव होता है और इसको बिल्कुल कोने में प्लेस करते हैं परफेक्टली एकदम। अब उसके उससे बिल्कुल मिला के हम लोग को अच्छे से काम करना होगा ये ऐसे। बस शुरू की रो बन जाए ना फिर तो तुम लोगों का काम डन, मतलब ऑलमोस्ट फिर बस इसके ऊपर चेक करते जाना है, बाकी सब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस ये स्टार्टिंग रो होती है तो जो तुम्हें बहुत प्यारे तरीके से एकदम आराम से है ना करनी होती है। ये आई थिंक ऐसे हो जाएगा हम लोगों का। प्लीज़ आ जा आ जा आ जा, यस हम लोगों ने 5 ही कर देगा, कितना प्यारा लग रहा है, इसके ऊपर चला आ सकता है। चले लायक ज़मीन बना दी हम लोगों ने। चलो हम लोग इसके ऊपर है ना सारे के सारे को स्टैक कर देते हैं, जो भी हम लोगों का बचा कुछ है ना। मैंने आई थिंक वो 5 कर दिए, मैंने 25 लिए ऐसे, पूरी 5 रोज भर जाएंगे इसके ऊपर। भाई साहब यूटीवी कितना ज़्यादा उठा पाती है, मुझे नहीं लगता अगर रियल के अंदर ऐसा होता नहीं, कार से टूट जाती, चटक जाती बेड के ऊपर, साहब वो ज़्यादा था ना तो वो टूट जाता। वैसे ये यूटीवी ऐसे है ना टायर इसके अंदर घुस जाते ज़मीन के, टायर वैसे फटते क्या? नहीं फटते तो नहीं, शार्प ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये पिचक सी जाती है हम लोग की यूटीवी। चलो और उठाना कंटिन्यू करते हैं हम लोग ये, इसको हम लोग की थर्ड रो पे आ भी चुका हूँ मैं, मतलब हमने ऑलरेडी 10 रख चुके हैं यार, लग नहीं रहा 10 है, लेकिन वैसे ही बहुत जल्दी स्पेंड होने वाला है। तुम लोग को लग रहा है इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो पाएगा, नहीं इस गेम की ऐसी स्केलिंग है ही नहीं, इतने जल्दी जाएंगे ना ये सारे। जबकि प्लैंक्स बनाने में आई थिंक ज़्यादा नहीं लगता है ना, एक स्टैक के अंदर 2 प्लैंक्स लग जाते हैं, लेकिन वो फूड ट्रो है ना, फूड ट्रो के यार बहुत हरकतें हैं ये, मतलब 2 स्टैक लगते हैं, मतलब उल्टा सामान है उन लोगों का। और आई थिंक एक फेंस गेट में 1 स्टैक लगता है, लेकिन आई थिंक हो जाएगा यार, होपफुली माल हो जाए तो बहुत ही प्यारा मज़ा आ जाएगा एकदम। ओके इसको यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग। कितनी रोज हो गई है मेरी, 1, 2, 3, अच्छा मतलब और भी अभी काफ़ी करनी है यार। यहाँ पे ऊपर चढ़ के हम लोग करते हैं अब है ना, क्योंकि वहाँ से अब मुश्किल हो रहा है काम करना। यहाँ से उठा सकता हूँ क्या? हाँ हवा से उठा सकता हूँ, ये उड़ते नहीं उठाता, मतलब हवा के अंदर होता है ना मज़ा आता है, ऐसे पार्कोर सा गेम लग जाता है, मतलब माइनक्राफ्ट के अंदर होते हैं ना वो ट्रिक शॉट से होते हैं, वो ऐसे करके कूद कूद के लोग करते हैं। चलो इसको लेते हैं हम लोग, ये देखना ये शेडो कैसी लग रही है मेरी, बहुत फनी सी लग रही है। ओके मैंने ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर लिए हैं, मैं बस हम लोग के बस ये 3 मोशन, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कितने सारे हैं। तुम लोग पता है रियल के अंदर जो है ना कार्स होती है ना ऐसी वाली टाइप की, जिसके अंदर है ना ये पीछे स्पेस होता है रखने का, ये एक्चुअली यहाँ पे ये ज़्यादा बिकती नहीं है, मतलब तुम सिटी में नहीं देखोगे, तुम और जब विलेज साइड में देखोगे ये वाले टाइप की कार, पीछे वाले स्पेस वाली। तो इनके अंदर इस गेम के अंदर बस एक चीज़ है प्रॉब्लम जो मुझे है, ये जो है ना ये जो हमारे सामान जो भी हम प्लेस करते हैं बस चिपक जाता है, मतलब क्या लगाता है फेविक्विक लगा देता है ये, पता नहीं उनके नीचे जो भी हाथ इसके चिपचिप में पता नहीं क्या जादू कर देते हैं, लेकिन हम लोगों का सारा सामान आराम से आ जाता है। ये वाला प्लैंक क्यों नहीं आ रहा? शायद वो मैंने गलती से गलत प्लेस कर दिया, बहुत गंदा वाला। यहाँ पर हम लोग प्लेस करते हैं, हल्का सा मैनेज करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ देखो हल्का सा गंदा प्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये करते हैं फिर इसको और भी पास करते हैं, और आई थिंक अब स्पेस हो जाएगी ना। तो रियल के अंदर एक ऐसी बेल्ट सी लगी हुई आती है, मतलब वो टेंशन बेल्ट होती है, ऐसी सीट बेल्ट होती है ना वो सामान के लिए होती है, वो पीछे लगी होती है। इस गेम के अंदर है नहीं, लेकिन देख रहे हो कितना हैवी लोडेड सामान ले जा रहा हूँ मैं इसके अंदर। आई होप यार आ जाए ये मैक्सिमम, मतलब लिमिट है हम लोग की यूटीवी भी इतना ही ला पाती है, मतलब पूरा ये बॉक्स है ना स्क्वायर बॉक्स, मैं सीधे यूटीवी को बीच में घुसेड़ दूंगा उसके,
और है ना हम लोग लगाना शुरू कर देंगे अपना सामान, क्योंकि यार ये ज़्यादा ही नहीं हो रही, मैं सबको फिर से अनलोड करूँगा सीधे है ना, लगा देंगे हम लोग मजे से। वो डियर पड़ा हुआ था ना, वो जो मैंने मारा था वहाँ पे, ओके मैं बेस्ट बर्गर पे तो आ चुका हूँ, मतलब इसका मतलब मैं काफ़ी पास हूँ अपने घर के। वो देखो छुपने की कोशिश कर रहा था वो वाला आयरन, वो बैठा हुआ है वहाँ पे गैराज के, गैराज के अंदर घुस जाता, मैं भी घुस जाता गैराज के अंदर, फिर वो वहाँ पे अटका रह जाता बेचारा। मेरी कॉल कलरिंग हो रही है, वो पीछे से देख रहा है बैठा हुआ। ओके आया, अब यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी ड्राइविंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही टर्न से यहाँ पे बहुत ईजीली कारी हम लोगों की है ना पूरी गिर जाएगी खतरनाक वाली, और रोटने में भी मुश्किल होगी क्योंकि यहाँ पे पेड़ ही इतने हैं यार, अटक जाते हैं हम लोग की गाड़ी। जब मैं ग्राइंडिंग कर रहा था ना, मैंने एक दो बार ऐसी कर भी दिए थे, उन लोगों को अभी एक पिक्चर दिखा दूँ, मैंने कुछ पिक्चर्स ली थी उसकी, देखो भाई साहब। और ये पता नहीं बहुत अजीब से नॉइज निकाली होती, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या इंजन चल गया, जनरेटर चल गया, बहुत गंदी आवाज़ें निकालती गाड़ी, और ऐसा लगता अब तो गई, अब मुझे नहीं खरीदनी पड़ी, बहुत हरकत तो लगती है, लेकिन एटलीस्ट ये क्या चल रहा है अभी। हेलो फ्रेंड, भाई बच्चे ये क्या चल रहा है यहाँ पे, बाहर क्यों आ गए, जल्दी आओ वापस मम्मा के पास आनी दो। पता नहीं शायद बाहर निकलवा दिया इन लोगों ने किसी तरीके से, इसको बाहर निकाल दिया भाई, जल्दी आओ मेरे साथ, इसको पता नहीं फ्रीडम देना चाह रहे थे, मैंने मूवी की प्लॉट होती है ना उसको रुइन कर दिया, आई थिंक मूवी चल रही थी यहाँ पे कोई। ओके भाई जल्दी से अंदर आओ, जल्दी 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 जल्दी, बस बस बंद। हाँ ये बच्चा देखो अभी है ना निकलने वाला, सारे घिर गए इसके सामने, इनको समझ में आ गया, अभी सब इसके अंदर डिस्ट्रैक्टेड है। अभी ये देखो मेरा मास्टर प्लान, ये सारे जानवरों को पागल बना दीजिए, जैसे ही गेट खोला वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यहाँ से आ गया, देख रहे हो ऐसे करते हैं प्लानिंग, इसलिए मैंने बनाया था वो गेट, बहुत इंटेलिजेंट प्लान था वो, मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, लेकिन अब यार जानवर हो गए, जब जानवर यहाँ पे कम होंगे ना तब जल्दी से बना डालेंगे हम लोग प्लैंक ला के पूरी स्पीड रनिंग करके। चलो अब डालना शुरू करते हैं हम लोगों के प्लैंक्स को, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ यार ये सब काम, तो हम लोग अच्छे से होना चाहिए ना। फ्रंट हाफ हम लोगों का ऑलमोस्ट पूरा हो ही चुका है, ऐसे करके ये फेंस गेट भी बना देते हैं, इसको एक डाल दिया और कंटिन्यू करते हैं अपने वर्क के साथ। ये हम लोग की फ्रंट साइड हो गई, तुम ऑलरेडी इमेजिन कर सकते हो इसको देख के मतलब कैसा दिखने वाला है, पूरी ऐसी एस्थेटिक है, पूरा का पूरा प्लैंक से बना है, मतलब तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा ये सब माल यहाँ पे वुडन है, ये वार्निश भी नहीं है आई थिंक, बस एक है ना चुटकी है ना मार दो ना लाइटर की पूरा जलेगा ये, लेकिन आई थिंक इस गेम के अंदर अभी आग नहीं है तो अभी तो सेफ है हम लोग के सारे जानवर, लेकिन फिर भी काफ़ी डेंजरस लग रहा है, वो हल्की सी टूट सकती है, लेकिन ग्रैंडफादर का जो भी एक्सपेरिमेंट था ये काफ़ी होल्ड अप कर रहा है, मतलब सालों तक हम जिसने भी है ना विजिट नहीं की रेंच को, ये मतलब 10-20 सालों तक मैं है ना गैस कर रहा हूँ कि कोई नहीं आया यहाँ पे, फिर भी है ना बैठा रहा मतलब सारी बारिश तूफानों के थ्रू बिना किसी की हेल्प के, तो आई थिंक ये रह लेगा आराम से 100-200 साल तो चलने वाली है ये बिल्डिंग, अभी जो भी है इनकम्प्लीटेड सी, कुछ खतरनाक सा मास्टर प्लान होगा ग्रैंडफादर का जो भी थे पता नहीं। और हम लोग लाते हैं इन दरवाजों को खोल ही देता हूँ, मैं बंद क्यों करे जा रहा हूँ बार बार। ओके यहाँ पे ही डालते हैं हम लोग की फूड ट्रोज, मैं पहले कर देता हूँ एक्चुअली, सारे हम लोगों के स्टैक खत्म हो जाएंगे ना, फिर हम लोग मज़े से दूसरों को लगाते रहेंगे प्लैंक्स में मतलब उनके अंदर फेंसेज में, फिर हम लोगों का आराम से हो जाएगा सामान। ये फ्रंट हाफ तो वैसे ही बन चुका है, आई थिंक मुझे पहला हाफ पहले करना चाहिए था ना, ये वुडन ट्रो ये है ना फूड ट्रो यहाँ, और ये यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे ऐसे घूमती हुई दिखेंगी, ये अच्छी प्लान थी, मतलब एक है ना वहाँ पे खा रही है एक वहाँ पे खा रही है, क्योंकि एक दूसरे में अड़ते हैं, जैसे तुम लोगों ने देखा है ना जानवर बहुत गंदी हरकत होती है, वो एक दूसरे के खाने के अंदर आते हैं और कोई भी नहीं खा पाता, ये अच्छा प्लान है कि यहाँ पे खा रहा है कि यहाँ पे खा रहा है। ओके और ट्रोज ले और ये प्लान फेंसेस लेने, मैं फेंसेस क्यों बोल रहा हूँ इसे, हम लोग प्लैंक्स लेने आते हैं, सब कुछ उड़ गए, सारे टर्म्स कितने हैं ना सिमिलर से हैं, ये हम लोग का वाटर भर गया, बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब मुझे याद है हम लोग बहुत सारे हैं ना इतने सारे बैग ऑफ व्हीट लेके आते थे बस उसको भरने के लिए, और पानी फिर बाल्टी में है ना ऐसे घुमाता रहता था पूरे टाइम, अब हमें कुछ भी नहीं करना होता है बस ऐसे ही है ना भर गई आराम से, हम लोग को यार अपनी ग्रेनरी भर देनी चाहिए भाई बिना परमिशन के। हाँ नहीं अरे सॉरी सॉरी जानवर भाग गए, स्टैम्पीड हो गया ये, क्या चल रहा है भाई भाई डोंट पैनिक, वो तो कहाँ पे चढ़ गई, वो गन को अंदर रख लेता हूँ, इन लोगों को ऐसे सेफर लग रहा है। हेलो वो देखो वो पिक पिक भाग रहा है वहाँ पे, वो खतरनाक वाले वो भागा एक, और अब बाप रे एक दूसरे को ठोकने वाले हैं वो, अच्छा वो घर कैसे डर गए वो जानवर, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बस इसकी गलती थी ठीक है ना, तुम लोगों की कोई भी नहीं है, देखो अब जबान निकल गई बस इसकी, इतना खतरनाक वाला चीखा है ना ये, जो टी बना है यहाँ पे ना ये चिल्लाया वो जोर से, ये देखो आके देख रहा है विटनेस कर रहा है, ये देखो ये होता है ना बिना परमिशन वाले लोगों के साथ, वो मुझे देख रहा है वो, भाई तुम्हारे साथ है ना कुछ भी नहीं होगा ऐसा, हम लोग तुम्हें बहुत सेफ रखेंगे, ये मेरा फेवरेट जानवर है ना, इसको है ना सहला दो इसके सर के ऊपर। चलो हम लोग है ना क्या कहते हैं अपने है ना फेंसेस को प्लेस करना कर देते हैं, आई थिंक अब हम लोगों के सारे फूड ट्रो ये सब तो हो रखे हैं नहीं, हाँ अब हम अपने सारे फेंसेस को बना देते हैं, ये हो गया ये हो गया, अब आराम से हो जाएगा ना, क्योंकि ये सब तो इक्वल से ही लेते हैं ना,
दो दो बन के बनते रह जाएंगे हम लोग को, ये एक दो ऐसे करके पूरे कंप्लीट कर लूँगा ये और अरे एक बच रहा है। हाँ वो ऐसे हो जाते हैं ना फैंस के अंदर, पता नहीं कुछ साथ लगते हैं। एक तो डिज़ाइन किसने करा है ये बताओ मुझे, मतलब सबके अंदर चार चार लग रहा है, इवन नंबर है, फिर सडनली इन लोगों ने ऑड नंबर दे दिया साथ का। बताओ ये कौन सी कैसी प्लानिंग है ये, मतलब प्लेयर्स के हाथ में बस ये एक अकेला सा दे दो, मतलब कुछ फ़ायदा है नहीं इसका, ये कुछ कर नहीं पाएगा एक्चुअली ज़्यादा कुछ। ये एक प्लान बस फॉर फन है ये आई गेस। चलो इनको लेते हैं हम लोग। तुम लोगों को क्या लगता है यार इसके अंदर हो जाएगा? मैं 25 लेके आऊँ, देखते हैं यार 25 है ना, इतने कर भी पाएंगे ये गेम? हद से आप प्लैंक लेते हैं, मेरे हिसाब से तो हो जाएगा, काफ़ी हद तक हो ही गया है हम लोगों का। ये वाली साइड कंप्लीट हो गई, बस हम लोगों का बैग बचा है और वो बचा है आई थिंक, है ना, हल्का सा वो वाली साइड का। ये हो गया हम लोगों का ये साइड कंप्लीट आई थिंक, नहीं ये ऐसे करके और फिर बस बैग बचेगा। अरे नाइस हो जाएगा आराम से। तुम लोगों को क्या लगता है वैसे, मेरे घर के अंदर काफ़ी कम विंडोज़ है ना, एक रैंडमली यहाँ पे प्लेस एक्सपीरियंस अजीब सा लगता है मेरा घर, और एक वहाँ पे वो शटर वाली विंडो है ऊपर छोटी सी, मैंने कभी देखी नहीं है। मेरे घर के अंदर एक सेलर है ऊपर, मुझे पता नहीं है एक्चुअली, मतलब ऊपर इतनी विंडो कैसे हो सकती है, तक ऊपर तक मेरा घर एक्सटेंडेड तक नहीं है, अजीब है। चलो हम लोग अपने घर को अपने वर्क को कंटिन्यू करते हैं। मैं घर बोल रहा हूँ, हमारा घर अजीब सा ही है, देखना कैसा स्ट्रक्चर, यहाँ से अजीब लगता है, सामने से फिर भी बहुत प्यारा है ये। चलो एटलीस्ट है ना, जो पार्ट हर किसी को देखेगा मतलब वो सोचेगा अच्छा घर है, बस पीछे किसी को नहीं जाना है। पीछे से वैसे आएगा भी कौन, पूरे माउंटेन्स हैं, कोई भी ऐसे नहीं आने वाला है छोटी सी रेंज के ऊपर, बस माउंटेन से हाइकिंग करके आना है, इतनी खतरनाक की छोटी सी रेंज देखने। फिर पहले क्या चीज़ दिखती है, ये बस ये फ्लैट वॉल और ये रूफ। ओके हम लोग का आखिरी प्लैंक बचाई और आई थिंक हम लोग का ऐसे करके सारा वर्क डन है हम लोग का। यार हम लोग के प्लैंक बच भी गए, काफ़ी अच्छी बात है यार, देखो पूरा हो गया यार काम, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं हम लोगों का। मुझे लग रहा था बहुत लगेंगे, 800 अच्छी है ना प्राइस के अंदर हो गया हम लोगों का सारा सामान, 800 से अंदर के अंदर हो गया ये, तो मैं बस ले आऊँ 800 भर का सामान। ओके गाइज अब मैं सोच रहा हूँ यार, हम लोगों ने अपना सारा सामान कर दिया, फेंस बना दिए, ये सब कर दिया, अब हम लोगों को अपनी गोड्स भी तो लानी चाहिए यार, ये तो है इंटरेस्टिंग पार्ट। इस गाड़ी के अंदर लाएंगे वो पूरे मजे लेंगे, वो बड़े वाले जानवर है ना वो ऐसे स्पेशली इसके अंदर बैठ जाएंगे, मतलब है ना चिकन्स को तो ऐसे ही रख देते हैं, तो यहाँ पे बैठ जाते, तो यहाँ पे बैठ जाते, कहीं भी प्लेस कर देते हैं वहाँ पे बैठे रह जाते हैं, ये एक्चुअली मतलब अपनी खुद की जगह बनाती हैं अपनी मर्जी से, और ऐसी लिमिट होती है इनकी। तो देखते ही एक राइड में हो जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा, मतलब हम लोग आसानी से सामान हो गया ना। चलो मैं जल्दी से वहाँ पे, ओ गंदा वाला ठुकाए, अरे यार एक अभी तो धूप हो रही थी कुछ देर पहले, हम लोगों को जल्दी से कर लाना चाहिए, यहाँ पे कितना कोहरा हो रहा है, यहाँ पे कितनी ठंडक हो रही है जानवरों को यार, वहाँ पे ठंडक लग रही है उन लोगों के फैंस में, वो पता नहीं कहाँ पे रखते हैं, छुपा के रखते हैं जानवरों को, छुपा के रखते हैं पता नहीं हम लोग उन गोट्स को ले। ओए होए इसके लिए मुझे पॉइंट मिलता है, अगर ये रेसिंग गेम होता ना ऊपर +100 लग के आ जाता स्कोर के अंदर भाई साहब, ये मैंने वो स्ट्रेव होता है पता नहीं क्या बोलते हैं रेसिंग गेम्स के अंदर। जो भी अब हम लोग अपने है ना गोट्स को खरीदते हैं, देखते हैं कौन कौन से कलर्स के अंदर है, प्राइस रेंज क्या है इन लोगों की। ओके लेट्स सी, गोट मेल गोट फीमेल, ओके ये वाइट कलर के अंदर है और है ना क्या कहते हैं ब्राउन कलर के अंदर है आई थिंक, एक है ना क्या कहते हैं ब्राउन कलर का हम लोग मेल ले लेंगे और एक वाइट कलर की फीमेल ले लेंगे, ऐसे हम लोग है ना आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना आराम से। फीमेल यार काफ़ी महंगी है, मतलब फीमेल का क्या है ना वो दूध अच्छा देगी हमें, मेल के अंदर ज़्यादा प्राइस नहीं है जिसकी, मतलब ऐसा है ना कि इसके अंदर डेरी बुल की ज़्यादा प्राइस है, यहाँ पे उल्टा है पता नहीं क्यों, जो भी हो लेकिन आई थिंक इनकी ज़्यादा वैल्यू है। एक मेल ले लेते हैं पहले, एक्चुअली मैं फीमेल ले लेता हूँ, उनको कार्ट के अंदर प्लेस करके देखेंगे, इसको हटा दूँ मैं कार्ट से और फीमेल लेते हैं हम लोग, इसको हम अपनी गाड़ी में प्लेस करके देखते हैं, मतलब एक बार चेक भी तो होता है कि आ भी पाएगा कि नहीं। तो हम लोग इस शॉप से निकलते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि सॉरी वी आर क्लोज भी क्यों लिखा हुआ है। ओके इसको ये करते हैं, ये रही प्यारी सी, अभी बच्ची लग रही है ना ये, देखो काफ़ी छोटी है ये, हाँ अच्छी लग रही है काफ़ी, इसकी ऐसी टेढ़ी सी आँखें हैं, पता नहीं मुझे हमें अजीब सी लगती थी गोट्स की आँखें जब भी मैं देखता था ना। चलो इनको लेके आते हैं हम लोग, ओ भाई कहाँ कहाँ, हाँ नहीं तो ऐसी लग रही है मुझे है ना क्या कहते हैं अभी ठोकने आ रही है ये बहुत गंदा वाला। ई टू ट्रांसपोर्ट एनिमल, अरे दो आ जाएंगे आराम से एकदम। चलो एक और ले लेते हैं और हम लोगों का आज का तो काम डन है ना, आराम से हम लोगों के सारे जानवर आ जाएंगे। और कहाँ गया वो मेल, ये रहा एड टू कार्ट, हम लोगों का दो हो गया, ये पेयर हम लोगों के बहुत सारे बना देंगे हर कलर के आई थिंक, या फिर मुझे दो और लेने पड़ेंगे, एक है ना वाइट वाला मेल, एक है ना वाइट वाली है ना वो ब्राउन वाली फीमेल, ऐसे करके पता नहीं जो भी हो लेकिन इसके सींग बड़े हैं जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। हाँ मैंने देखे हैं ये रियल के अंदर गोट ना, इनके ऐसे मूंछ क्यों है, लेकिन मैंने स्पेशली नहीं देखा कि बस मेल्स के मूंछ होती है, पता नहीं ये शायद कोई और स्पीशीज होती है, मैंने मूंछ वाले है ना बकरे देखे नहीं है रियल में वैसे। हाँ देखो परफेक्टली आ गया, ऑलमोस्ट भाई है ना डिग्गी बंद कर देते हैं यहाँ से गिर जाएगा ये उलट जाएगा ये।
ये देखो इन लोगों के सींग का फर्क है और तुम लोग देख सकते हो बॉडी स्ट्रक्चर का भी फर्क है, ये हल्की सी और छोटी और है ना क्या कितने मतलब हल्की सी और पतली वाली बिल्ट है इसका, ये जो चेस्ट वाला एरिया है ना ये और ज़्यादा बड़ा है और इसके सींग बड़ा है और ये छोटी सी मूंछ है इसके पास फॉर फन। चलो है ना हम लोग निकाल लेते हैं, इसका शेव कर सकते हैं क्या, इस गेम के अंदर शेविंग कर रहे हैं, पूरी कस्टमाइजेशन कर दूंगा मैं तो अपने बकरों की, इनसे दूध वूध आएगा काफ़ी मज़े आएंगे। तुम लोगों ने बकरी का दूध पिया है, काफ़ी अच्छा होता है मैंने जितना सुना है आए, लेकिन मुझे पता नहीं है गाय का दूध ज़्यादा टेस्ट करता है बेटर या फिर बकरी का, मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने बकरी का आई थिंक पिया है नहीं पिया है याद भी नहीं आ रहा मुझे, तो हम लोग चलते हैं, मैंने तो अभी तक बस गाय का ही पिया है जितना नॉर्मल होता है। ओ भाई सब गंदा वाला ठुके हैं ये, अभी हिल गए होंगे ये दोनों अंदर से, सारी हड्डियाँ हिल गई होंगी अपनी, रंग बदल जाएंगे इनके मुझे लग रहा है ऐसे ठुकता रहा ना मैं। हम लोग तमीज़ में यहाँ पे चले आते हैं अब अपने घर, बहुत हैवी ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अरे 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 नहीं नहीं वो समझ रही है लाल गाड़ी है ना, ये लाल का मतलब डेंजरस समझ लेते हैं ये, तभी आई थिंक बुल्स को रियल लाइफ के अंदर वो है ना वो रेड से इसलिए चढ़ते हैं, उनकी गाड़ियाँ रेड होती होंगी ऐसे ले जाते होंगी रेड गाड़ियों ने। ये आ गए हम लोग, ओ हाँ चलो मुझे लग रहा था यहाँ पे ठुकूंगा मैं, चिकन को लेने आ रहा था मैंने पिछली वीडियो में इतना गंदा वाला ठुका था ना मैं यहाँ पे, इस मीट के ऊपर से चढ़ा ही देते हैं कि नोबडी केयर्स, क्योंकि देखो ये हिरन ये होता है नो परमिशन अलाउड वालों के साथ। ओके अब हम लोग आ चुके हैं, हम लोग अपनी गोट्स को यहाँ पे लीड वे कर देते हैं, हम लोग भाई निकलो आ जाओ पुल आउट, सीधे कॉल दिया भागने की कोशिश कर रहा है देखो, ओ कहाँ भाई रस्सी बंधी हुई है गला घुट जाएगा, जल्दी आओ मज़े से है ना यहाँ पे बैठो, यहाँ पे खाना पानी है सब कुछ है, काफ़ी ओपन एरिया है वैसे, तुम लोगों को क्या लगता है गोट्स के पास काफ़ी ओपन एरिया है ना बांध वालों से जब वाले जानवरों से, इसको ये छोड़ देते हैं और ये लाते हैं हम लोग की ये छोटी सी फीमेल वाली, वो ये देखो भागी वो हाँ नहीं तो अब गले में दर्द हो रहा है अब वापस आ गई, आ जाओ वही मज़े से। ओके इसके लिए दोनों दरवाजे खोल देते, नहीं उससे तो वो पीछे उसको धक्का पड़ गया था। ओके ये आ गए हम लोग के सारे जानवर, ये लो बंद कर दिया, आप क्या करोगे बाहर निकलने की फिराक में थे, अरे आवाज़ भी निकाल रहा हूँ मैं कर रहे हैं, और भी मज़े आ रहे हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है फार्म, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, इसका भी दूध निकाल सकता हूँ क्या, लग तो रहा है एक सेकंड लेके आता हूँ मैं अपना है ना मिल्क कैन और वो अपनी बकेट, उसके अंदर देखते हैं इसका भी दूध निकाल सकते हैं क्या, ये कहीं बच्ची ना हो यार पता चला दूध ही नहीं निकाल पा रहे, हरकत नहीं होगी हल्की सी। ओके बाहर निकलते हैं और इसका दूध निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, वहाँ पे वो मिल क्या कर रहा है वो कहाँ पे, और वो कहाँ भाग गई, वो कोने में घूम रहे हैं ऐसे कुछ, पूरी एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं अभी अपने नए घर को, देखो ये बाहर जाने की फिराक में, देखो कैसे बाहर देख रही है और मैं कर रही है, वो पूछ रही है कोई और दूसरी है ना है क्या, ये वाली दूध नहीं दे रही भाई, इसके लिए तो ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसके अंदर बैठ जाएगी आई थिंक, हाँ ये बच्ची है ये, इसके सर के ऊपर रख सकता हूँ कि ये बकेट नहीं रख तो नहीं सकता बेचारी को, ये लो भाई इसके अंदर दूध दे दो, देखो मुंह उधर कर लिया यार, बताओ यार उसने बिल्कुल है ना मूड नहीं है, और ये वाला ये दूध दे देगा क्या बोला तूने, नहीं ये तो नहीं दे पाएगा बेचारा। चलो हम लोग अपने है ना बकेट को अभी यहाँ पे, ये नहीं आ रहे मैं भूल जाऊँगा, मुझे पता है मैं भूलूंगा फिर मैं पूछता रह जाऊँगा, पिछली बार कार के पास रख दिए थे मैंने अपनी एक बास्केट भूल गया था, अब भूल लूँ मैं। चलो हम लोग हैं ना, चलो हम लोग जल्दी से इसको यहाँ पे रख देते हैं, हम लोग के अब सारी गोट्स तो आ गई, आज हम लोग का सारा काम तो हो गया। ओके यार वो गोट्स तुम लोग को क्या लग रहा है, मुझे गोट्स हमेशा मैं मुझे ऐसे एसोसिएट करता हूँ गोट्स को, फनली इनफ है ना कॉमेडी के अंदर लोग गोट जैसी आवाज़ें निकालते रहते हैं ना, हमेशा उनको उससे एसोसिएट करता हूँ, देखो अभी है ना यहाँ से उसको खींच लो, ये फैंस के अंदर ऐसे तुम लोगों ने गर्मी देखी एक बंदे को ऐसे मारता हूँ, ये खींच लिया टूट गई चेन, लेकिन ये तो आराम से जिंदा रह रही है, खाना पानी खाते रहना ठीक है ना, उसका अभी बाहर तो पूरे लग रहा है वो कितनी तेज भाग रही है वो, ये फास्टर होती है कि ये फीमेल इस गेम के अंदर पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, इनका ऐसे हो जाए बच्चों हो जाए ये भर के मुझे खरीदने ना पड़े, ये काफ़ी महंगी थी, देखो बस मैं करे जा रही है अभी तो, अभी क्या बोलना है तुम्हें, अच्छा ठीक है चला जाता हूँ मैं, ये क्या कर रहा है ये पार्कोर, अरे भाई नो नॉट अलाउड, कहाँ ये होती हैं हरकतें जब है ना स्पेस मैनेजमेंट नहीं होता ना, ये देखो कैसे देख रहा है वो कैमरा को, दांत दिखा रहा है वो अपने, हाँ भाई नीचे यस दूर, अरे कहाँ, अरे यार ये भी बंदे, इसका भी कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके यहाँ पे आओ और पीछे वाले रास्ते से ले जाएंगे ना, ये देखो कितना स्लो है, बिल्कुल ऐसी फीलिंग होती है भाग तो ऐसे रहे होते हैं मतलब पैर के मूवमेंट को देखते हो अभी ऐसे 10-20 किलोमीटर हर एक कदम के साथ आगे आ रहा है, लेकिन इतना स्लोली आ रहा है ना वो बेचारा, इन इन है ना गायों को हल्का सा दूर जाने दो, उनको हल्का सा इल्यूजन देते हैं, अरे इस गेट से तो मैं आने ही नहीं वाला हूँ। ओके आजा भाई आजा, अरे जल्दी सब आ रहे हैं यार, अरे भाई ओके हो गया ना काम, ये होती है प्रो गेमिंग, और बंद, देखो सारे मुंह मोड़ लेते हैं ऐसे इस तरफ देखने लगते हैं फैंस के ऊपर, सब पता है मुझे सब भागने की फिराक में, एक सेकंड ये क्या है, मुझे लग रहा था चिकन थी, हम लोग अपने चिकन के ऊपर देखते आते हैं वो क्या चल रहा है वहाँ पे,
सबने पुराना वाला घर पकड़ लिया, शायद इन लोगों को ये अपने पुराने घर की याद आ रही थी तो सारे घुस गए यहाँ पे, दरवाजे को मन करते हैं। और भाई मजे ले रहे हो यहाँ पे? हाँ देखो, अरे कितने अंडे दिए इन लोगों ने यहीं पे। देखो पिछली बार से जब मेरे पास सारे इसके अंदर घुसे पड़े थे तब भी इतने अंडे नहीं थे, जमीन के ऊपर पड़े हैं इन है ना, फ्रेम्स के अंदर हैं क्या? हाँ यार, रोल करते आ रहे हैं अंडे सारे के सारे। मजे तो बहुत मजा आ रहा है अभी यहाँ पे। हम लोग का चिकन विलेज बन चुका है ना यहाँ पे। वो देखो वहाँ पे क्या है ना, चुग रही है वो, तो बस है वहाँ पे भूसा पड़ा हुआ है। यहाँ पे यार कितनी एग प्रोडक्शन हो रही है, अगली बार हम लोग एग्स बहुत उठाएंगे। हम लोगों ने आज काफ़ी काम कर लिया यार। चलो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबा लेना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।